रीवा के जबा थाना क्षेत्र में एक सनसनी फैला देने वाला मामला प्रकाश में आया है। दो दिन पहले प्रशासन के द्वारा दफनाई गई महिला की लाश अचानक गायब हो गई, जिसके बाद महिला की पहचान करने आए परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का मानना है कि प्रशासन के द्वारा महिला के शव को दफनाया ही नहीं गया, बल्कि कहीं अन्यत्र फेंक दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें लाश नहीं मिल पा रही है। दरअसल रीवा जिले के डभौरा रेलवे स्टेशन में ट्रेन से कटकर विगत 18 दिसंबर को एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने जबा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला का पीएम कराया और अज्ञात शव होने के चलते उसे बराहुली ठाकुरान गाँव में जंगलों में दफना दिया गया, जिसके बाद समाचार पत्रों के माध्यम से महिला के परिजनों को उसकी जानकारी लगी, तब उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक टीम से महिला की पहचान की। परंतु दो दिन बीत जाने के बाद दफनाई गई लाश को निकालने के लिए प्रशासन के साथ परिजन पहुंचे तो वहां कोई लाश मिली ही नहीं और महिला का शव गायब पाया गया, जिस पर महिला के परिजनों ने प्रशासनिक लापरवाही के आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक उमरिया जिले की रहने वाली कविता बाधवानी अपने घर से 16 दिसंबर को लापता हो गई थी। उसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और 18 दिसंबर को डभौरा रेलवे स्टेशन में ट्रेन से कटने से उसकी मौत हो गई, जिस पर मौके में पहुंची पुलिस टीम ने उसके शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। बाद में अज्ञात शव होने के चलते प्रशासन के द्वारा उसे दफना दिया गया, परंतु दो दिनों बाद जब पहचान करके परिजन महिला की लाश लेने आए तो दफन स्थान से महिला की लाश गायब हो गई। पुलिस की टीम महिला की शव के तलाश में जुट गई है। जहां पे घटना स्थल में सुधान घाट में खुदवाए तो वहां पे शव नहीं मिला, आसपास हड्डियां मिली और उसके शव का कफन दफन का कपड़ा और एक चादर जो पहले से तलाश में उड़ाया गया था। तो इनको परिजनों को उनको नहीं मिली बॉडी, वहाँ पर मौके पर बॉडी नहीं मिली? नहीं, वही कफन दफन वाला कपड़ा और कुछ हड्डियां सिर की खपड़ी मिली। टीएम सर महोदय के आदेशानुसार मैं यहाँ आया और कविता बादमणी जिसकी दुर्घटना रेल दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनका शव जिस स्थान पर गड़ा होना बताया गया वहाँ पर नहीं मिला, केवल कपड़े मिले हैं और यत्र तत्र मानव की हड्डियों के अवशेष पाए गए। इसे सुनिश्चित करना संभव नहीं कि किसकी हड्डियाँ। लावारिस शव का संस्कार अंत जो है गड्ढा 5 फीट खोद करके किया जाना चाहिए था, और उस समय जिनके द्वारा शव जब्त किया गया पीएम के बाद जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई गड़वाने की, ऐसे चाहे पुलिस के हों और चाहे स्वीपर लोग हों जिन्हें मजदूरी दे करके गाड़ने के लिए कहा गया है, ये तो सही गुरु की जिम्मेदारी। तो क्या इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम सुनील कुमार है। रिजोर्जर आप दफन करने आए थे? क्या कैसा था उस समय? बॉडी दे दी था। हाँ, आए थे पुलिस वाले यहाँ तक, फिर वहाँ जैसे नाली का है ना जो पानी निकलता है दर्रा, हाँ वहीं पे कर दिए थे बॉडी को, वहीं डाल दिए थे और माटी ऊपर डाल दिए थे बस। क्या उसमें 5 फीट का गड्ढा किया गया था? नहीं, पहले से था, 3 फुट था। 3 फुट था। क्या नाम भैया आपका? अजय वाघ। क्या हुआ जब आप मौके पर आए तो आपकी बहन के शरीर को यहाँ पे दफन किया गया था, तो क्या आपकी बहन के शरीर के यहाँ पे मिले कुछ? कुछ भी औषध नहीं मिला, कपड़ा मिला। कपड़ा मिला, कोई भी औषध नहीं मिला, न तो गड्ढा प्रतीत हो रहा है, गड्ढा खोदा गया है। कब घटना हुई थी ये? हमारी घटना 16 तारीख। जानकारी हमारे यहाँ से लापता नहीं, 16 तारीख हमारे यहाँ लापता थी। हमारे गुमशुदा की थाने में भी रिपोर्ट और आरपीएफ में भी रिपोर्ट किया, उसके बाद हमने मतलब उसको ढूंढना स्टार्ट किया, तो अभी हमें जानकारी मिली 22 तारीख से बैठे। कैसे जानकारी मिली आपको? मैं हमारे मतलब भाई के साले ने हमें मतलब हमें जानकारी दी कि मतलब युवा में एक फोटो मिली है, बॉडी मतलब मिली है, तो उसकी आप पहचान कर हमने फोटो तो उसकी हम पहचान। फिर पहचान करने के बाद हम तुरंत हमने वहाँ से रवाना हो, और इसके बाद हमने आरपीएफ रीवा में हमने गुमसुद की जो लाश है जो उसकी मतलब सुपुर्दगी के लिए हमने आवेदन दिया, वहाँ से लेके आवेदन हमने रियो यहाँ आ गए, जवा आ गए, जवा के उसके बाद हम लोग थियोटर एसडीएम के पास गए। एसडीएम ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए हमें तहसीलदार जवा के लिए लिख दिया। तहसीलदार जवा आए और मौके पे उन्होंने जांच की तो मौके पर लाश नहीं मिली और सिर्फ गड्ढा पाया गया, गड्ढा भी नहीं मिला, बस गड्ढा कोई प्रतीत नहीं होता कि हमें बताया गया कि 5 फुट गड्ढा खोदा गया और जेसीबी से और हमने उसको लाश दफना दी, लेकिन ये सब झूठ था। तो अब आप क्या करेंगे इसके बाद आगे कार्रवाई? जी हम देखते हैं कोर्ट के सामने जाएंगे।
क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम संदीप वाधवा है, निवासी उमरिया हूँ। जैसे कि आज आपके प्रकरण, ये जवा थाने के अंतर्गत एक आपका प्रकरण आया, मेरी भतीजी उमरिया से 16 दिसंबर को लापता हुई, जिसकी शिकायत मैंने उमरिया थाने में, उमरिया जीआरपी में व विभिन्न थानों में उमरिया के द्वारा भिजवाया। उसकी फ़ोटो भी भेजी गई। दिनांक 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे भतीजे के साले के मित्र ने सूचना दी कि रीवा पेपर में एक फ़ोटो आई है महिला की, उस महिला की फ़ोटो आप लोगों की भतीजी से मिलती जुलती है। हमने उस फोटो को देखा तो हमें लगा कि वो हमारी भतीजी है। जब हम रीवा जीआरपी आए, रीवा जीआरपी में उन्होंने हमें विधिवत फ़ोटो दिखाए, कपड़े दिखाए, तो हमने उसको पहचान लिया कि हाँ, ये हमारी ही भतीजी है। उसके बाद हमने उनको सुपुर्दगी लेटर का आदेश दिया कि हमें 100 दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चौथर SDM के पास जाइए, वहाँ हम लेटर भेज देंगे। हमने उस लेटर के द्वारा SDM महोदय से अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद माननीय तहसीलदार महोदय को उन्होंने अनुमोदित किया। तहसीलदार महोदय को लाने के बाद हम जिस जगह पे हमारी भतीजी को दफनाया गया था, पहली बात तो वहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था, दर्रा था नदी का, नदी के दर्रे में डाल दिया गया था। जब मौके पे माननीय तहसीलदार महोदय ने गड्ढे को, उसको दर्रे को खुलवाया, तो दर्रे में कोई लाश नहीं मिली। मौके पे इनका कहना है कि वहाँ खोपड़ी और ये है, चूँकि उस घाट पे शमशान घाट है, शमशान घाट होने के चलते वहाँ हजारों लाशों का जलना होता है। किसकी हड्डियाँ बरकरार हैं, किसकी क्या है, ये हमें नहीं मालूम। अब लोगों का ये कहना है कि वो खोपड़ी मिली, ये मिली, इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। हमें हमारी भतीजी की लाश चाहिए जो मौके पे नहीं मिली। 3 दिन के अंदर लाश गायब नहीं हो जाती, इस विषय में काफ़ी चिंतनीय है। अब इसमें GRP ने क्या किया, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मौके पे पहुंचने के बाद जब लाश नहीं मिली, तो माननीय तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया, जिसमें उन्होंने भी लिखा कि मौके पर लाश नहीं है लेकिन अवशेष पड़े हैं, जो कि सरासर झूठ है। क्योंकि वहाँ पे आप विधिवत, आप वीडियोग्राफी करवा लीजिए, वहाँ पे विधिवत वहाँ पे 100 दाह संस्कार होता है। अब किसके हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है। वो उन हड्डियों की जांच करवाएं विधिवत मेडिकल के द्वारा। अगर वो हमारी भतीजी की लाश है तो 3 दिन के अंदर हमारी लाश कैसे हड्डियों में बदल गई, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो या तो इसमें GRP की सरासर लापरवाही है, या तो फिर हमारे यहाँ की सरकार की लापरवाही है कि वो लाशों को आवारा फेंक दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय, माननीय SDM महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि इस विषय पे उचित से उचित कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरीके की गलतियाँ दोबारा ना हों। मेरी भतीजी उमरिया से 16 दिसंबर को लापता हुई, जिसकी शिकायत मैंने उमरिया थाने में, उमरिया GRP में व विभिन्न थानों में उमरिया के द्वारा भिजवाया। उसकी फ़ोटो भी भेजी गई। दिनांक 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे भतीजे के साले के मित्र ने सूचना दी कि रीवा पेपर में एक फ़ोटो आई है महिला की, उस महिला की फ़ोटो आप लोगों की भतीजी से मिलती जुलती है। हमने उस फोटो को देखा तो हमें लगा कि वो हमारी भतीजी है। जब हम रीवा GRP आए, रीवा GRP में उन्होंने हमें विधिवत फ़ोटो दिखाए, कपड़े दिखाए, तो हमने उसको पहचान लिया कि हाँ, ये हमारी ही भतीजी है। उसके बाद हमने उनको सुपुर्दगी लेटर का आदेश दिया कि हमें 100 दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चौथर SDM के पास जाइए, वहाँ हम लेटर भेज देंगे। हमने उस लेटर के द्वारा SDM महोदय से अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद माननीय तहसीलदार महोदय को उन्होंने अनुमोदित किया। तहसीलदार महोदय को लाने के बाद हम जिस जगह पे हमारी भतीजी को दफनाया गया था, पहली बात तो वहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था, दर्रा था नदी का, नदी के दर्रे में डाल दिया गया था। जब मौके पे माननीय तहसीलदार महोदय ने गड्ढे को, उसको दर्रे को खुलवाया, तो दर्रे में कोई लाश नहीं मिली। मौके पे इनका कहना है कि वहाँ खोपड़ी और ये है, चूँकि उस घाट पे शमशान घाट है, शमशान घाट होने के चलते वहाँ हजारों लाशों का जलना होता है। किसकी हड्डियाँ बरकरार हैं, किसकी क्या है, यह हमें नहीं मालूम। अब लोगों का ये कहना है कि वो खोपड़ी मिली, ये मिली, इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। हमें हमारी भतीजी की लाश चाहिए जो मौके पे नहीं मिली। 3 दिन के अंदर लाश गायब नहीं हो जाती, इस विषय में काफ़ी चिंतनीय है। अब इसमें GRP ने क्या किया, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मौके पे
पहुंचने के बाद जब लाश नहीं मिली तो माननीय तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया जिसमें उन्होंने भी लिखा कि मौके पर लाश नहीं है लेकिन अवशेष पड़े हैं, जो कि सरासर झूठ है।